What's up fam? कैसे हो आप सब लोग? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इल हेवन प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं बॉम्बे, तो टाइम थोड़ा लग सा है, कोविड का टाइम है। अभी देखेंगे क्या क्या हमारे साथ घटनाएं होंगी रास्ते में। अभी एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपीटी किट, वो जो पूरी किट होती है वो डाल के आपको बैठना पड़ेगा। तो अभी जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। पहले तो एयरपोर्ट पे ही देखते हैं क्या बनता है, कैसी वो किट्स हैं, कैसा हमारा सीन रहेगा। तो लेट्स गो गाइस। सोच रहा था, मैंने तो बात भी की थी अपने दोस्तों से कि फ्लाइट की जगह अगर हम गाड़ी में ही चले बॉम्बे तो कितना मज़ा आएगा। चार दिन हमें लग जाते जाने में, चार दिन हमें लग जाते आने में, बट वहाँ फिर जाने का जो फन था वो फिर गाड़ी में ऐसे ही बस निकलते चलते चलते हंसते हंसते कट गए रहते। और देखो हमारी किस्मत, नेक्स्ट जो लाइट है वो हमें रेड, ये रेड है, इसके आगे वाली ग्रीन है, बट हमें तो पड़ेगा कि इस गाड़ी से जो सामान है, ये देखो इतना सारा सामान है, ये सारा उधर शिफ्ट करेंगे। देखते हैं अभी, सात केजी उन्होंने बोला, सात केजी, तो सात केजी में अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी सामान थोड़ा इधर लोड कर देते हैं। ये रहे अपने दोस्त जय भाई, पौंडी जी पीछे से नमस्ते करते हुए, पीछे से नमस्ते। एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम, थोड़ा यहाँ पे फौजी भाई लोग बहुत हैं यहाँ पे, तो थोड़ा हमें करके चलना पड़ेगा। कैसे करके चलना पड़ेगा? वाली बातचीत है। दो घंटा पहला पहुंच गया, दो घंटे हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो मेरे भाई ने एक दिमाग लगाया, भाई बोलते इतना टाइम फ्री है तो कुछ काम ही कर लेते हैं। ये देख लो डेडिकेशन है गाइस, ये पीओआई से मुझे। और यार ये दीजिए ना कि ये लगा के, ये कुछ नहीं है अभी, इसका ना कुछ होता है, अभी रेनकोट मिलेगा। अभी तो सरप्राइज, मतलब सरप्राइज पे सरप्राइज आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे कि रेनकोट किस तरीके के होते हैं, वो आज आपको बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा, और आप थोड़ी देर में ही शायद विटनेस करेंगे। तो अभी यार दो घंटे हमारे पास, देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा काम कर लेंगे, थोड़ा चिल कर लेंगे, थोड़ा सो लेंगे। और एक और बात गाइस, अभी हमने स्टोरी अपलोड किया, अभी देखना यहाँ पे कबूतर घूम रहे हैं अंदर, एयरपोर्ट के अंदर कबूतर, क्योंकि इंसान तो जा नहीं रहे कहीं पे, कबूतर ही है सिर्फ। तो अभी कबूतरों से बातें बूते मारते हैं, बाकी आगे का व्लॉग आपको आगे दिखाते हैं गाइस, स्टे ट्यून्ड। अभी यार थोड़ा बाहर बैठे हुए थे, वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो हैं थोड़े लिटिल ग्लासी के शकीन, लिटिल यू नो, लिटिल। और भाई साहब हमारे भाजी कहते माहौल चला देना आप, आज काम वाला छड़ना नहीं है कुछ भी। ये ना सोचो ये दारू है, थोड़ा परा सिर्फ थम्स अप पी रहा है, माहौल तो ऐसा चल रहा है। गन्स अप और पानी, गन्स अप थम्स अप गाइस। तो अभी हमने ऐसा लाइक एक एक ड्रिंक ली होगी, तो अभी बिल दिखाते हैं आपको, 4460 सिर्फ एक एक ड्रिंक का, एक या हार्डली दो ड्रिंक्स। अंडे, मतलब कि ये देखिए, ये जो अंडे भाई खा रहा है 500 रुपए का एक अंडा है, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है। चलो होती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट इतनी लाइन तो मिलेगी आपको, मिलेगी चेकिंग।
भी देख रहे हो आपकी इंडिया में इवेंट निकल जाने के बाद भी तो इट्स गॉन इट्स हमें दे दिया ये तो बताने क्या कहते हैं और ये हो गया टीजी गेम टीजी गेम तो हमने इसको डिकोड कर लिया है गाइस नहीं किया कर लिया ये देखो ये देखो तो अगर आपको जाना है कहीं बाहर तो बहुत सारे ड्रामे करने पड़ेंगे भाई फ्लाइट में तो ऐसा कुछ मंजर ऐसा कुछ माहौल अगर आपको फ्लाइट में जाना है तो ये आपको डालना पड़ेगा ही पड़ेगा तो गाइस फाइनली लैंड हो चुके हैं मुंबई के शिवाजी एयरपोर्ट पे यात्री अपना चेक इन सामान है उस पे बैग नंबर 11 पे ले सकते हैं धन्यवाद अच्छा लग रहा है फिर एकदम बढ़िया एकदम तैयार में लेकिन जाना कहाँ से अब तो अभी इधर हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे ये मुंबई का एयरपोर्ट मस्त एयरपोर्ट गए बस पहुँचा दो कहीं ना कहीं कोविड कैपिटल में आगे कोविड कैपिटल हो गया इंडिया के फाइनेंस कैपिटल में इसका नाम है मुंबई और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भी यहीं पे हैं तो अगर आप इधर आ रहे हो सैनिटाइज करके रखो अपना सामान सही से रखो और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करो बाकी देर हो गया अराउंड 9:30 हो गया अभी होटल जाएंगे तो अभी कैब का वेट कर रहे हैं यहाँ पे P7 करके पॉइंट है जो जहाँ पे ओला आती है तो हम 3 इंसान वेट कर रहे हैं अपनी ओला की कैब में बैठ गया बॉम्बे की कैब और अभी जैसे कि आप देख सकते हो थोड़े थक गए हैं तो गाइस अभी होटल जाएंगे फिर दिखाएंगे आगे आपको इतना आप थोड़ा व्यू चेक करो मिला 910 अभी अंदर दिखाते हैं दिस इज आवर रूम फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days वी विल बी शूटिंग ओवर हियर जगह 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 देख सकते हो ये हमारा रहेगा बेडरूम जो दो बंदे मेरे ख्याल से आराम से सो सकते हैं तो ये है हमारा वॉशरूम बढ़िया मस्त लाइटिंग वाइटिंग एक नंबर बस इधर इन्होंने एक छोटा सा बाथटब होता तो शायद और मजा आता इधर बाथटब नहीं है भाई लास्ट होटल में बाथटब था बट अच्छा है रूम ये लिविंग एरिया ये किचन और सब और अब हम थक गए हैं यार गाइस काफी थक गए हैं क्योंकि दोपहर 2 बजे से हम निकल रखे हैं तो अभी आज का दिन यहीं पे मैं कहता हूँ ख़त्म करते हैं अभी खाना वाना मंगवाएंगे खा के सो जाएंगे कल शूट स्टार्ट करेंगे कल मिलते हैं और आज का दिन यार हम इधर ही ख़त्म करते हैं तो गुड नाइट गाइस सोते हैं सी या टेक केयर बाय बाय